उसके नर्वस सिस्टम की जब बात आती है तो ये नर्वस सिस्टम कुछ वैसे ही नर्वस सिस्टम है जैसा हमारा नर्वस सिस्टम है ना। तो कॉकरोच के पास में क्या है, उसके पास में एक ब्रेन है ना। ब्रेन का साइज बहुत छोटा है और यहाँ पर ब्रेन को सुप्रा गैंग्लियन के नाम से भी जाना जाता है, सुप्रा गैंग्लिया है ना, सुप्रा गैंग्लिया इट विल बी नोन एज। और इसके नर्वस सिस्टम में जो दूसरा पार्ट है वो है यहाँ पर नर्व कॉर्ड। दूसरा पार्ट क्या है, नर्व कॉर्ड। ये दो ही चीजें इसके नर्वस सिस्टम में। पहली बात तो नर्व कॉर्ड, ये वैसी नर्व कॉर्ड नहीं है, ये डबल नर्व कॉर्ड होती है जो कि उसके डॉर्सल वेंट्रल दोनों साइड पे होगी एंड इट विल बी कनेक्टेड विद द ब्रेन, है ना, ब्रेन में। और ब्रेन भी वैसा ब्रेन नहीं है, ये ब्रेन जो है यूसोफेगस के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है बच्चों, और ये काम जो है वो वैसे ही कर पाता है। तो ये ड्यूल नेचर का होगा, या फिर बोले कि दोनों तरफ वी विल बी एबल टू सी दिस थिंग। और ये नर्व्स यहाँ पे होगी, देखिए। तो यहाँ नर्व्स जो है वो कैसी देखने को मिलेगी, नर्व्स का अरेंजमेंट यहाँ पे कुछ अलग होगा। कैसा है कि एब्डोमेन रीजन में, एक मिनट, वन मिनट, एब्डोमेन रीजन में द थिंग विच विल बी देयर, एब्डोमेन रीजन में जो यहाँ पर नर्व्स देखने को मिलेगी बच्चों वो कुछ अलग होगी। कैसी नर्व्स अलग होगी उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये नर्व्स यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, सबसे पहला तो एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन में आपको तीन नर्व्स यहां पर देखने को मिलेगी, और यहां पर छह नर्व्स आपको देखने को मिलेगी, और इसके थॉरेक्स वाले रीजन में वी विल बी एबल टू सी थ्री नर्व्स ओवर हियर, है ना। तीन नर्व्स कहां पर है, तीन जो है वो एब्डोमेन वाले एरिया में है, और तीन जो छह नर्व जो है वो एब्डोमेन वाले एरिया में है, और बची हुई इसको क्लियर करके ठीक से ही वी नीड टू राइट। यहाँ पर छः है ना, छः और तीन इस तरह से, देर आर नाइन नर्व्स, नाइन नर्व्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी बच्चों, जो कि एब्डोमेन में छः और इसके थॉरेक्स वाले रीजन में ये तीन नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये इसके नर्वस सिस्टम की बात हुई। तो नर्वस सिस्टम अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सेगमेंटेड है, वहाँ पर गैंग्लिया इसमें ज्वाइंट होता है ना, गैंग्लिया यहाँ पर ज्वाइंट होता है, पेयर्ड है लेटरल साइड पे, वर्टिकल साइड पे, वेंट्रल साइड पे हमको ये देखने को मिलेगा, लॉन्जिट्यूडनल और वेंट्रिकल साइड पे हमको ये देखने को मिलेगा। ये जो तीन गैंग्लिया जो है ये इसके थॉरेक्स वाले रीजन में, वही मतलब नर्व जो है उसकी वो कहाँ पर है, तीन जो है वो थॉरेक्स रीजन में देखने को मिल रही है, और बची हुई जो छः है वो एब्डोमेन रीजन में हमको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो उसका नर्वस सिस्टम है ये पूरी बॉडी में पूरा फैला हुआ हमको देखने को मिलता है, जैसा आपका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला है कुछ उसी तरह से ये भी होता है। इसका जो होल्ड, इसका जो दिमाग वाला जो जो ब्रेन वाला जो पार्ट है बच्चों वो हेड रीजन में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, और वेंट्रली या बोले कि उसके वेंट्रल रीजन में इट विल बी प्रेजेंट ओवर देयर। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है, जो आपको समझने की ज़रूरत है कि कॉकरोच को अगर आप किल भी कर देते हैं तो उसका जो ब्रेन वाला पार्ट जो है कहाँ पर है, देखिए ये वाला। तो नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू विल इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट, है ना, आपने उसको कट ऑफ कर दिया है, आपने उसको पूरी तरह से उसके सिर को चपटा कर दिया है ना, देन ऑल्सो इट विल बी एबल टू लीव, तब भी वो एक हफ्ते तक जिंदा रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका जो हेड है ना, हेड रीजन जो है वहां पर उसका ब्रेन जो है वो रिप्रेजेंट किस फॉर्म में हो रहा है, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन के फॉर्म में, है ना, ये जो सुप्रा इसोफेगल, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है, इसोफेगल गैंग्लियन, ये इसका ब्रेन है बच्चों, है ना, ये यहाँ पर इसका ब्रेन का ये जो पूरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सुप्रा इसोफेगल। इसोफेगल क्यों बोला, क्योंकि इसोफेगस के ऊपर वो वहाँ पर प्रेजेंट है ना, गैंग्लिया उसको मतलब वो बंच से मिलके बना है, उसके पास में कोई स्पेसिफिक ऐसा डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है, नहीं तो वो कहीं आईआईटी वगैरह नहीं कर लेता, है ना। तो देखिए यहाँ पर गैंग्लियन
हमने इसको बोला और ये सप्लाई करता है एंटीना को नर्व्स, कंपाउंड आई को ये नर्व सप्लाई करता है, उसी से कनेक्टिविटी होती है। तो अगर सिर चपटा भी हो गया है तो कोई बात नहीं, ईसोफेगस के आगे वहां पर इसका सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया जो है वहां पर हमको देखने को मिलेगा और उसी के कारण ये एक हफ्ते तक फिर भी जिंदा रह पाएगा, है ना। नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स है नीचे जो छह मैंने आपको बताई, वो छह नर्व्स आगे कनेक्टिविटी इसके सरसी वाले पार्ट को, लेबियम पल्प है ना, इसके मैक्सिलरी पल्प, इन सारे पल्प को एक कनेक्टिविटी देती है ना, साथ में एंटीना और आईज को भी। तो जब सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम है तो यहाँ भी ये सारे सेंस ऑर्गन जो है क्योंकि इसके ऊपर पल्प प्रेजेंट होता है और पल्प के कारण इट विल बी एबल टू रिमेम्बर, इट विल बी एबल टू फाइंड द थिंग्स। तो ये इसी तरह से बच्चों यहाँ पर इसका नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा होता है और उसमें जो एक कंपाउंड आए हैं जो मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया था कि इसके पास में क्या होती है, छोटी छोटी यूनिट्स होती है। कैसी यूनिट्स? हेक्सागोनल ओमिटिडिया, हेक्सागोनल ओमिटिडिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और ये जो यूनिट्स है कितनी है, करीबन 2000 यूनिट्स होती है उसकी उस कंपाउंड आय में जो मैंने आपको पहले बताया था। अब 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया वहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब है बच्चों कि ये जो ओमिटिडिया है, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये सारी इमेज को कैप्चर तो कर लेती है लेकिन सभी अलग अलग फॉर्म में अपनी इमेज को कहाँ पर पहुँचाती है, उसके गैंग्लिया, गैंग्लियॉन और या फिर उसके ब्रेन को, तो वो कंपाइल करता है और आपको देख पाता है। इसमें कई सारे जो ये ओमेटीरिया जो है आपको देखने को जो मिल रहे हैं ना बच्चों, आपको कई सारे जो ओमेटीरिया यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये सारे ओमेटीरिया जो है दे आर ऑल्सो उसका इसके कारण ओमेटीरिया के प्रेजेंस होने के कारण यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उसका विजन जो है वो है मोजैक विजन। मोजैक विजन मतलब कि वो चीजों को टुकड़ों में तोड़कर देखता है। मोजैक विजन का मतलब क्या होता है कि वो उसको सेंसिटिविटी तो है ना, लेकिन उसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम है। सेंसिटिविटी तो है लेकिन रिजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर कम है, मतलब वो ये नहीं देख पाएगा कि आपके पास में दांत है या नहीं है, आपके पास आपके चश्मे में ग्लास है या नहीं है, तो वो ये चीजें नहीं देख पाएगा। और इसीलिए हम बोल भी सकते हैं कि रात में दे विल बी एबल टू सी द थिंग्स वेरी वेरी नाइसली ओवर देयर। और इस तरह से ये इनका नर्वस सिस्टम यहाँ पर पूरा होगा, है ना। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर जब हमने अलग अलग सेक्स वहां पर देखे हैं बच्चों, अलग अलग यहाँ पर जेंडर हमने देखे हैं कि मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये मेल और फीमेल में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग पार्ट किस तरह से यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग है ना, तो इसको पहचान देखना है हमको और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट काम कैसे करते हैं, दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो पहली चीज है, आप अगर इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखोगे बच्चों, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द टेस्टिस पार्ट, है ना। टेस्टिस पार्ट मतलब यहीं पर स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो होगा, है ना। स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस वाले रीजन में होगा और विद द हेल्प ऑफ दिस वास डिफरेंस, है ना, इसके पास भी वास डिफरेंस है। टर्म्स जो है वो लगभग वैसी ही है जैसी ह्यूमंस में हम लोग पढ़ते हैं, तो वास्ट डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बच्चों, है ना। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो इसके पास में जो ये यहाँ पर जो आपको जो प्रॉपर चेंबर जो देखने को मिल रहा है 4 से लेकर 6 तक, आपको आपके सेगमेंट में इसको इसकी टेस्टिस जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी और ये पूरी डक्ट सेमाइनल वेसिकल तक जा रही है ना, 4 से लेकर 6 तक। कहाँ थे, कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर 6 तक। तो ये पूरा जो रीजन है ये 4 से लेकर 6 तक ये सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्मॉल ट्यूब्यूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल, ये दो ट्यूब्यूल्स हमको देखने को मिलेगी। तो जब यहाँ पर टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म का प्रोडक्शन वहाँ पर हो गया, तो वास डिफरेंस की मदद से ये इस तरफ आता है। ये जो आपको बीच में जो ये फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर को यहाँ पर बोला जाता है मशरूम, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है मशरूम स्ट्रक्चर यहां पर बनता है, ये मशरूम यहां पर कहलाता है, ये मशरूम वाला पार्ट है,
ये खाने वाला मशरूम नहीं है, है ना। तो ये मशरूम स्ट्रक्चर वी विल बी एबल टू सी ओवर हियर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर शुरू, यहाँ पर सबसे अंदर की तरफ बहुत छोटे छोटे जो ट्यूब्यूल्स जो दिखाई दे रहे हैं, दीज ट्यूब्यूल्स आर स्मॉल ट्यूब्यूल्स, है ना। और उसके बाहर की तरफ यहाँ पर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, और उसके बाहर की तरफ वी विल बी एबल टू सी सम सेमाइनल वेसिकल, है ना। तो देखो सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे क्या करती है, ये सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे स्टोर कर लेगी, किसको स्टोर कर लेगी, स्पर्म को स्टोर कर लेगी, है ना। जो मेल की बात जब हम कर रहे हैं तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म सेल। स्पर्म सेल अगर वो प्रोड्यूस करता है तो वो कहाँ अगर स्टोर होंगे, सेमाइनल वेसिकल में। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग ट्यूब्यूल जो देखने को मिल रही है, एक तो स्मॉल ट्यूब्यूल और दूसरी लॉन्ग ट्यूब्यूल। तो स्मॉल ट्यूब्यूल ने वहां पर नरिशमेंट उसमें फिल कर दिया, तो ये स्मॉल ट्यूब्यूल क्या करती है, यहाँ पर नरिश, इसको नरिश करती है, है ना। और लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या करती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल विल बी एबल टू टू नरिश देम, और वहां पर उसको मेंटेन करके रख पाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे इजैक्यूलेटरी डक्ट हमको दिखाई दे रही है, है ना। ये येलो वाले रीजन से आपको बताया हुआ है, येलो वाला रीजन है वो है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट से इट विल बी एबल टू कम आउट। लेकिन जब वो यहाँ पर बाहर आता है ना बच्चों, तो यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब्यूल और ये जो फैलिक ग्लैंड जो आपको दिखाई दे रही है, दिस फैलिक ग्लैंड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डू वॉट। ये जब स्पर्म सेल वहां पे आया तो उसके पास में एक लेयर प्रेजेंट थी, है ना, लॉन्ग ट्यूब्यूल, और नहीं उस पर क्या किया है, एक लेयर इंटरनल वाली वहां पर बना दी। उसके बाद में यहां पर जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वहां पर अगेन इट विल बी एबल टू मेक अ थर्ड लेयर ऑन इट। तो मतलब इस तरह से उसके ऊपर तीन अलग अलग लेयर उस स्पर्म सेल के अंदर होगी, और वहां पर एक पाउच बन जाएगा जब वो यहां पर सुडोपेनिस के पास में पहुंचेगा ना। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है ना, मतलब इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये टिटिलेटर और सुडोपेनिस, है ना, और ये कॉर्डल स्टाइल, ये सारे जो पार्ट है, ये जो राइट फेलोमोरे और वेंट्रल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, फेलोमोरे फैलिक ग्लैंड जो है, ये क्या करती है, ये एक पाउच का डेवलपमेंट वहाँ पे करते हैं। और उसी पाउच का, जब ये पाउच यहाँ पे बाहर आ जाता है तो ये यहाँ पर स्टाइल की मदद से और इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मदद से, सरसी की मदद से, ये जो पूरा का पूरा पाउच है वो फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है, और फीमेल में फिर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर थिंग विल डेवलप ओवर हियर ओवर देयर, है ना। तो ये यहाँ पर कि मेल में जो ये बाकी का गोनोपोर वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, एनएस वाला पार्ट यही है, इसके गोनोपोर वाला पार्ट यही है, और ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे हुआ। क्या क्या हमने देखा, टेस्टिस देखा, टेस्टिस कनेक्टेड है, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस से वो जो स्पर्म सेल्स है वो आगे की तरफ यहाँ पे आते हैं, एंड इट विल बी स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल। लॉन्ग ट्यूब्यूल और यहाँ पे स्मॉल ट्यूब्यूल जो है वो एक नरिशमेंट का काम करती है, दूसरी उसके ऊपर एक लेयर वहाँ पे बना देती है, एक मेंटेन, एक कवरिंग वहाँ पे बना देती है। इजैक्यूलेटरी डक्ट से जब आगे आता है तो फैलिक ग्लैंड जो है वो क्या करेगी, उसके ऊपर तीसरी या फिर आउटर मोस्ट लेयर वहाँ पे डेवलप करती है, और आउटर मोस्ट लेयर बन जाने के बाद में इट विल बी इजैक्यूलेट आउट फ्रॉम इट्स फ्रॉम देयर बॉडी, और वो फिर फीमेल की बॉडी में वो पाउच जो है वो ट्रांसफर वहाँ पे कर दिया जाता है। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों। अब इसके एक एक पॉइंट यहाँ पे समझते हैं कि कहाँ पर ये ग्लैंड, कौन से सेगमेंट से कहाँ तक हमको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें मशरूम शेप्ड ग्लैंड हमने ये देखी, ये मशरूम शेप्ड ग्लैंड भी हमने देखी, कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है बच्चों, ये प्रेजेंट है आपके 6 से लेकर 7 तक। मशरूम ग्लैंड 6 से लेकर 7 एब्डोमेन सेगमेंट तक ये प्रेजेंट है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है बाकी की यहाँ पर प्रेजेंट है, वो सारी ग्लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए करेगी। उसके बाद में जो जेनाइटल एरिया जो है, जो इसका गोनोपोर वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे काइटेनस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू ट्रांसफर इट टू द अदर टू द डिफरेंट सेक्स ओवर देयर, है ना। फिर कॉपुलेशन के लिए जो स्पर्म सेल यहाँ पे बन गए हैं, दीज स्पर्म सेल्स जो है सेमाइनल वेसिकल में यहाँ पे उनको स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद में जो बंडल के फॉर्म में, जब वो स्पर्मेटोफोर, है ना, स्पर्मेटोफोर जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, जो कब डिस्चार्ज होंगे, जब भी मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होगा, इन दैट कंडीशन ओनली।
है ना। उसके बाद में इनकी महिलाओं इनकी श्रीमती की भी बात कर लेते हैं, है ना, कि फीमेल्स में किस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको देखने को मिलता है बच्चों, ये लिटरली इसके सेगमेंट को अगर देखोगे तो 2 से लेकर 6 सेगमेंट तक हमको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में हर एक ओवरी जो है उसके अंदर 8 यहाँ पर ओवेरियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, ओवेरियलेस हमको देखने को मिलेंगे, 8-8 दोनों तरफ हमको देखने को मिलेंगे, एक चेन यहाँ पे होगी, है ना। तो वो चेन जो है वो आगे की तरफ यहाँ पे उसके ओवा को ट्रांसफर यहाँ पे करती रहेगी। ओवीडक्ट यहाँ पर है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट ओवीडक्ट जेनाइटल चेम्बर की तरफ यहाँ पे या वजाइना की तरफ इससे कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, है ना। देखो क्या क्या है यहाँ पर, ये इसकी ओवरीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, दोनों में 8-8 ओवरीज यहाँ पे हमने देखी, है ना। उसके बाद में देखिए फिर क्या है, उसके बाद में जब ये स्पर्मेथिक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे स्पर्मेथिक का, जहाँ पर ये स्पर्म जो है वो रिसीव किया जाएगा, उसके बाद में जेनाइटल चेम्बर जो है ना, तो ये एयर की मदद से द स्पर्म सेल विल बी एबल टू गो इनसाइड इट, है ना। तो यही उसका वजाइना वाला पार्ट भी हो गया। तो जेनाइटल चेम्बर से इस तरह से दिस स्पर्म सेल विल बी एबल टू एंटर इनसाइड इट, है ना। तो जो पेयर ऑफ स्पर्मेथिका वो पार्ट, ये वाला पार्ट जो पेयर है यहाँ पर, ये देखिए 2 पेयर आपको देखने को मिलेंगे किसके, स्पर्मेथिका के। तो ये स्पर्मेथिका के 2 पेयर हमको देखने को मिल रहे हैं, 6th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होंगे और ये जेनाइटल चैम्बर में ओपन होते हैं। जब ये स्पर्म जो है वो जो यहाँ पर स्पर्म आ रहा है स्पर्मेटोफोर की मदद से, वो यहाँ पर एग को अंदर आके फर्टिलाइज करेगा, कैप्स्यूल्स के फॉर्म में वो वहाँ पे आ रहा है और वो आ रहा है ओथेका के अंदर, है ना। तो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस ओवर देयर इन द ओथेका के अंदर ही, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस ओवर देयर। ओथेका जो है वो डार्क रेडिश ब्लैकिश या ब्राउन कैप्स्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि 8 मिलीमीटर जो है लॉन्ग हमको देखने को मिल सकता है बच्चों। फिर उसमें एक ग्लू जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा उसकी सरफेस पे, जो कि जैसे उसको ह्यूमिड बनाए रखने के लिए, उसको मॉइस्ट बनाए रखने के लिए इट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और यही ये जो म्यूकस जैसा जो स्ट्रक्चर हमको वहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो म्यूकस वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर कॉपुलेशन में काफ़ी मदद करेगा, ताकि उन स्पर्म सेल्स को अंदर वहाँ पे लिया जा सके। एवरेज अगर देखा जाए तो मेल में किसी एक मेल के अंदर 9 से 10 ओथेका हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें 16 से 14 एग्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर, और उसके अंदर ऊपर की तरफ ऐसा बोला जाता है कि 8 एग हमको देखने को मिलेंगे और नीचे की तरफ 8, है ना, ऊपर की तरफ 8 और नीचे की तरफ 8, इस तरह से ये होता है। जो इनके डेवलपमेंट की बात आती है वो यहाँ पर नेफल स्टेज, मतलब यहाँ पर नेफल स्टेज आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखिए उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो होता तो मेटामॉर्फोसिस है, लेकिन ये मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रहा है उसको, और ये क्यों इस मेटामॉर्फोसिस को हाफ मेटामॉर्फोसिस बोला, है ना, क्योंकि देखिए यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले तो निम्फ है, यहां पर लार्वा स्टेज नहीं है, यहां पर निम्फ हमको देखने को मिलेगा। तो एग से निम्फ और निम्फ से कोई अडल्ट हमको डेवलप होता हुआ यहां पर दिखाई देगा, है ना। निम्फ के पास में क्या क्या नहीं है, तो इसके पास में गोनेड्स नहीं है, विंग्स नहीं है। अडल्ट के पास में क्या है, गोनेड्स जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर ये एब्सेंट, दोनों चीजें, है ना, गोनेड्स यहां पर प्रेजेंट है, विंग्स यहां पर प्रेजेंट है, अडल्ट्स में ये चीजें हमको देखने को मिली। सेगमेंट का अगर जो नंबर जो देखा जाए वो अडल्ट्स में ज्यादा है, निम्फ में ज्यादा है, एडल्ट्स में ये कम है, है ना। तो ये डेवलपमेंट तो हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसको करीबन, ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे होता है ये करीबन 1 साल लेता है, मतलब इनके ऊपर जो ये कवरिंग जो होती है ना,
वो कवरिंग रिमूव करते हैं, जैसे आप लोग जब भी चेंज करते हैं तो आपका टी शर्ट आप निकालते हैं, आप शर्ट निकालते हैं, वैसे ही वेन एवर दे आर गोइंग टू डेवलप नो इन दैट कंडीशन दे विल रिमूव दे आर गोइंग टू रिमूव देयर एक्सटर्नल लेयर ऑफ द बॉडी, ये हमको वहां पर देखने को मिलेगा बच्चों। तो ये इस तरह से इनका जो डेवलपमेंट जो है वो कैसा है, निम्फल स्टेज डेवलपमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें निम्फ जो है वो कैसा दिखाई देता है, लगभग एडल्ट जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके पास में क्या नहीं है वो मैंने आपको बताया। निम्फ जो है वो ग्रो करता है करीबन 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट स्टेज, है ना, एडल्ट में डेवलप होने के लिए। और नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज के पास में फाइनली उसके पास में विंग्स, विंग पैड वहां पे आ जाते हैं, है ना, और फिर जब विंग्स आ जाते हैं तभी वो मैच्योर बनता है, तभी उसमें उड़ने की क्षमता जो है वो यहाँ पे आ जाती है। ये उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात की बच्चों। कॉर्डल स्टाइल अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, इट मींस व्हाट इट विल कंटेन, डेफिनेटली इट विल कंटेन, या फिर बोलें कि अगर ये प्रेजेंट है तो डेफिनेटली व्हाट इट इज, ये एक मेल है, ये हमने देखा था। इसके सेगमेंट की भी बात हमने देखी थी कि वहां पर 9 और 10 में देयर विल बी ए सबमर्ज कंडीशन ओवर देयर, वास रेफरेंस की बात हम लोगों ने समझ ली है, बाकी के सारे पार्ट्स आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लिए। मशरूम ग्लैंड की भी हमने यहाँ पे बात करी है, फीमेल्स की बात यहाँ पे करी, ये इसका ओवीडक्ट वाला पार्ट ऑल्सो वी हैव सीन, स्पर्म एथिका जहाँ पर वो स्पर्म वाले पाउच को रिसीव करेगी, है ना। फिर ये इसका जेनाइटल पाउच है बच्चों, जेनाइटल पाउच जो है वो 9 से लेकर 10 वाले रीजन में हमको देखने को मिलेगा। फिर इसका ये ओवीडक्ट या फिर वजाइना वाला पार्ट इज द सेम थिंग। ओवेरी की बात हमने करी, ओवीडक्ट यहाँ पे हुआ, ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है।